तो जैसा चर्चा हुई कि आर्टिकल 370 और 35 कैपिटल ए पर अपने को काम करने का अवसर मिला, वो आर्टिकल 35 कैपिटल ए और 370 नहीं था केवल, क्योंकि विषय पढ़ा था इसलिए भारत की पूरी संस्कृति को पढ़ने का अवसर मिला। हमने 1000 वर्ष के इतिहास को खोजने और निकालने का प्रयास किया और उस 1000 वर्ष में क्या क्या हुआ, किसने किसने कैसे कैसे बलिदान दिए, किसने किसने क्या क्या किया और कौन सी मेथोलॉजी इस्तेमाल की गई, कौन कौन से कार्य किए गए और जो विधर्मी थे उन्होंने कौन सी टेक्निक्स अपनाई, क्योंकि ऐसा कहा गया कि 370 साहब लगभग परमानेंट है और ये भारत जब तक है तब तक नहीं जाता, जब तक भारत टूटेगा तब कभी जाएगा, ऐसा लोगों ने कहा था। कहने वालों ने ये भी कहा था कि भारत का झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, कहने वालों ने यह भी कहा था कि मोदी जी 1000 जन्म ले लेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा। उनका तात्पर्य सिर्फ इतना था कि यह जाने वाला नहीं, तो अपने को भी जब इतने बड़े बड़े आवाहन हो रहे थे तो अपने को भी तैयारी कुछ अच्छी करनी थी। इस तैयारी में अपने को भारत में विकसित सारी संस्कृतियों को पढ़ने का जरूरत पड़ी और विधर्मियों के द्वारा क्या क्या किया गया और उनके उपाय क्या किए गए। हम सब जानते हैं कि दो सेनाएं लड़ रही होती हैं तो दोनों सेनाओं की अपनी टेक्निक होती है, दोनों सेनाओं के अपने स्वभाव होते हैं, अपने हथियार होते हैं। इन हथियारों में केवल बंदूकें नहीं होती, इन हथियारों में केवल तलवारें नहीं होती, इन हथियारों में समाज का मत भी शामिल होता है, समाज का व्यवहार शामिल होता है और समाज का अपना जो प्रभाव है वो शामिल होता है। क्योंकि सेनाएं लड़ने के लिए कितने जाएंगे, लाख, दो लाख, चार लाख, दस लाख, बीस लाख, पच्चीस लाख, पचास लाख। आपका देश तो 130 करोड़ का है, 130 करोड़ के देश में अगर 20 लाख लोग लड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कितना परसेंटेज निकला। सारे लड़ेंगे तब, इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि उन 20 लाख लोगों के साथ 130 करोड़ लोग खड़े दिखाई पड़े और उन 20 लाख का मन बने, उनका नेतृत्व करने के लिए कोई शक्ति हो। कौन नेतृत्व करेगा, कैसे करेगा, इनका मन बनाने के लिए भी शिक्षा पद्धति आपको अपनानी पड़ेगी, देश में व्यवहार करना पड़ेगा, देश में साधु संतों को काम करना पड़ेगा, देश के प्रबुद्ध जनों को काम करना पड़ेगा। मुसलमानों के आने के बाद, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पहले व्यक्ति थे जो आए, उससे पहले सीथियन आए, पर्सियन आए, हूण आए, कुशाण आए, फिर अफगान आए, अफगानों के बाद ये तुर्क और मुगल आए, फिर अंग्रेज आया। लेकिन ध्यान में यह बात आई कि हर बार हम क्यों ऐसा हुआ कि हमारे समाज को नए सिरे से नया काम करना पड़ा। आखिर हम क्या शकों से नहीं समझ पाए थे, कुशाणों से नहीं समझ पाए थे, हूणों से नहीं समझ पाए थे क्या? क्या हम सीथियन, पर्शियन, यूनानियों से नहीं समझ पाए थे? और समाज 100, 200, 500 वर्ष बाद फिर दूसरा परतंत्री आया और उसने हमको गुलाम बना लिया। मुट्ठी भर लोग आते हैं और मुट्ठी भर लोग भारत को गुलाम बना लेते हैं। कितने तुर्क आए होंगे, कितने तुर्क और मुगल होंगे, भारत तो बहुत बड़ा था। तो अपने को समझ में आया 370 का काम करते समय कि आखिर कारण क्या था। उन कारणों को जब तक जड़ से ढूंढा नहीं जाएगा तब तक भारत को अक्षुण्ण नहीं बनाया जा सकता, तब तक भारत में 370 जैसी घटनाएं होती रहेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी कड़ी में अपने को छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ने का अवसर मिला, उसी कड़ी में महाराणा प्रताप को पढ़ने का अवसर मिला, उसी कड़ी में सिख गुरुओं को पढ़ने का अवसर मिला और उसी कड़ी में उनके बाद के स्वतंत्रता के योद्धाओं को पढ़ना पड़ा। तो समझ में आता है कि भारत आध्यात्मिक स्थान हमेशा से रहा, अध्यात्म के हम गुरु रहे, संसार पर हमने शासन किया और उस संसार के शासन करने पर
जितना आपका वैभव बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही विदेशी आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और विदेशी जैसे ही आकर्षित होंगे वो तरह तरह के षड्यंत्र और षड्यंत्र भारत में करेंगे। अब देखना यह है कि भारत का समाज इकट्ठा कैसे हुआ, क्योंकि भारत संसार में एक अकेला ऐसा देश है जिसमें संस्कृतियों की भरमार, भाषाओं की भरमार, वेशभूषाओं की भरमार, खाने पीने की अलग अलग पद्धतियां, कोई यूं खाता है तो कोई यूं खाता है, तो कोई चम्मच से खाता है तो कोई उंगली से खाता है। आप अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो धोती भी हर राज्य की अलग अलग, हमको देखने में लग सकता है कि वो धोती पहनते हैं, लेकिन वो लोग आप पहचानना, थोड़ा पहचानना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा ये कन्नड़ की धोती है कि हमारा ये तमिल की है कि ये तेलुगु की है कि ये मलयालम की है। धोती भी पहनने का तरीका अलग। इसका मतलब ये हो गया कि भारत एक ऐसा विविधता से भरा देश है जिसमें संसार की सारी भाषाएं एक तरफ कर दी जाए तो भारत में उतनी मिल जाएंगी, जितनी पद्धतियां संसार में ढूंढ लीजिए वो भारत में अकेले मिल जाएंगी। हम सब जानते हैं हमारा गोत्र कौन सा, हम सब जानते हैं मेरा गुरु कौन, हम सब जानते हैं कि मेरे पूर्वज कौन। तो रहा यह होगा कि भारत के ऋषि मुनियों ने भारत को एकत्र करने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए भारत को एक मूल मंत्र दिया होगा, और वो मूल मंत्र क्या दिया होगा, यूनाइट करने के लिए तमाम प्रकार की संस्कृतियों में भी एक केवल एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। जितने प्रकार के संत हुए भारत में सबने कोई एक क्षेत्र नहीं चुना। गुरुजी जन्म लेते हैं पटना में और अपना केंद्र बनाते हैं नांदेड़ में और युद्ध करते हैं पंजाब में, देश भर का भ्रमण किया। अगर दिमाग में यह होता कि हम इनमें से नहीं है, हम अलग है, तो एक पार्टिकुलर स्थान चुनते, दिल्ली टारगेट करते, दिल्ली में मुगल बादशाह बैठा। लेकिन देश भर का भ्रमण करने वाले ऋषि मुनि गुरु रहे, उन्होंने पूरे देश में गुरुद्वारे बनाए, पूरे देश में मंदिर बनाए, पूरे देश में स्थान बनाए। इसका मतलब यह हो गया कि भारतवर्ष के जो भी संत, जिसको भारत की चिंता हुई, उसने अपने प्रकार से भारत को एकजुट करने के लिए कार्य किया। अब उनमें कार्य करने वालों में ऐसा भी रहा होगा कि छोटी छोटी सेनाएं बनाई गई होंगी कि भाई हम आदिल शाह से लड़ेंगे। शिवाजी महाराज ने सोचा आदिल शाह से लड़ेंगे, आदिल शाह ही वहां पर काम करते, आदिल शाह निपट गए तो फिर औरंगजेब सामने खड़ा है, मुगल भी तो सामने खड़ा है, हिंदू भी स्वराज स्थापित करेंगे। उधर गुरु परंपरा चल रही है तो गुरु का परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी के मन में जरूर विचार आया होगा कि इनसे लड़ने का तरीका क्या, कैसे लड़ेंगे। जैसे मैं कहता हूं बार बार कि तमाम तरह की विधियां भारत में अपनाई होंगी बुद्धिजीवियों ने, भारत का नेतृत्व करने वालों ने, समय समय पर भारत को दिशा दिखाने के लिए जिस प्रकार की परिस्थिति रही होगी उस परिस्थिति में यूनाइट कैसे हो और कैसे इनसे लड़ा जाए। परतंत्री क्या चाहता है, सबसे पहला हमला अगर वो करेगा तो आपकी संस्कृति पर करेगा और संस्कृति के केंद्र मंदिरों पर करेगा। सलाद मसूद ने भी वही किया, गजनी गौरी ने भी वही किया, और बाद में अगर ऐबक आया, ऐबक के बाद जितने आए सबने एक टारगेट, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की जो सनातन संस्कृति है इस संस्कृति को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बनाकर धन से, बल से, छल से जैसे वो प्रयास कर सकते थे वैसे संस्कृति से दूर हो इसके लिए काम किया। किसी ने जनेऊ तुलवाए तो किसी ने सर कलम करवाए, किसी ने धन का प्रलोभन दिया तो किसी ने शासन का प्रलोभन दिया,
लेकिन उनका मेन उद्देश्य था कि संस्कृति को तोड़ना है तो सबसे पहले मंदिरों को तोड़िए, मंदिर जब टूट जाएंगे तो लोगों का विश्वास कम होगा और विश्वास कम होगा तो संस्कृति से भटकेंगे और संस्कृति से अगर भटकेंगे तो फिर हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब तक ये अपनी संस्कृति संस्कारों से जुड़े हुए हैं, भारत के पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों की वजह से ये एकजुट हैं, एक सा विचार करते हैं, एक सा सोचते हैं, भारत भूमि को अपनी मां मानते हैं। अगर भारत भूमि को अपनी मां मानेंगे तो ये किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति से जुड़े हों, कोई भी उपासना करते हो, कुछ भी खाते पीते रहते हो, भारत माता के सहोदर भाई बहन हो जाएंगे। और जैसे ही सहोदर भाई बहन हो गए, एक मां की संतान हो गए, फिर इनको तोड़ना मुश्किल नहीं, असंभव है। इसलिए कन्वर्जन का खेल शुरू हुआ। इसी कन्वर्जन के खेल में गुरु तेग बहादुर सिंह जी के सामने ये समस्या आई, या तो कन्वर्ट हो जाओ और या फिर शहादत दे। भारत के महापुरुषों ने इलस्ट्रेशन तय किए, उदाहरण तय किए कि अगर मैं जो समाज का नेतृत्व करता हूं, अगर मैं कन्वर्ट हो गया, मैं उस सिख परंपरा, उस गुरु परंपरा का पालन करने वाला व्यक्ति, अगर मैं कन्वर्ट हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ियों को कौन बचाएगा। विचार उत्तम है, बिल्कुल सही है, कौन बचाएगा। 9 वर्ष का बालक तलवार थामता है और कहता है मैं बचाऊंगा। पिता की शहादत हो गई, पिता चले गए, लेकिन मैं बचाऊंगा। अगर मैं भी कन्वर्ट हो जाता हूं तो समाज को कौन दिशा दिखाएगा। अब लेकिन गुरु परंपरा में कैसे लड़े, कितना लड़ सकते हैं, कितना दूर तक जा सकते हैं। जो भाई साहब ने बात कही कि हमको एक नई पहचान दी उन सैनिकों को, उन फौजियों को जो गुरु महाराज के साथ जुड़े, जो गुरु महाराज के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हुए, उनको एक वेशभूषा तो चाहिए ही, कैसे लड़ेंगे। एक फौजी को फौज का चोला तो चाहिए, वर्दी नहीं पहनेंगे तो कैसे लड़ेंगे। समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए हम कन्वर्ट नहीं होंगे, हम संस्कृति नहीं छोड़ेंगे, हम संस्कार नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए एक नई सेना की तैयारी की गई, भारतवर्ष पूरे से आह्वान किया गया कि अपने पुत्रों को मुझे दो। पूरे भारत ने अपने पुत्रों को दिया, क्योंकि सेना तो बननी है। अब आज की तरह शासन प्रणाली नहीं है कि भाई सरकार है, रिक्रूटमेंट करेगी, भर्ती कर लेगी, बंदूक प्रोवाइड करेगी। अब तो परतंत्रीय शासन है ना भारत में, और परतंत्रीय शासन अब इस बात पर उतारू है कि भारत को कैसे समाप्त किया जाए और कैसे इस पर शासन परमानेंट किया जाए। जब वो शासन परमानेंट करने की विधि सोचेगा तो फिर वो सारे हथकंडे अपनाएगा, लेकिन अब उससे लड़ेगा कौन। हम सब जानते हैं कि एक चौपाई हम लोग पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पाए, और बलियारी गुरु आपकी जो गोविंद यो बताए। तो एक गुरु की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि गुरु के बगैर तो गोविंद भी नहीं मिलते, गुरु के बगैर हरि के दर्शन नहीं होते। इसलिए गुरु परंपरा तो भारत में भारत का अभूतपूर्व अंग है, और वो गुरु परंपरा में अब जो गुरु नेतृत्व कर रहे हैं उन गुरु का दायित्व भी बनता है कि ऐसी कौन सी मेथोलॉजी अपनाई जाए, ऐसी कौन सी विधि अपनाई जाए, ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि इन मुगलों से हम लड़ सकें। और कौन लड़ेगा, किसके नेतृत्व में लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। तब कहते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना, और एक वेशभूषा तैयार करके कहा कि अब हम सिंह कहे जाएंगे। उनका बचपन का नाम तो गोविंद राय रखा गया था, बचपन में जन्म लेते ही सिंह नहीं रखा गया, जबकि उनके पिता खुद के गुरु थे। गुरु के बेटे का नाम बचपन में गोविंद राय रखा गया, मतलब साफ है जब युद्ध के लिए योद्धा तैयार होगा तो वो सिंह गर्जना करेगा, उसको सिंह की आवश्यकता है और तभी वो सिंह बनेगा।
इसलिए गुरु की घोषणा होने के साथ गुरु गोविंद सिंह शब्द इस्तेमाल किया, अब गोविंद सिंह हो गए। दायित्व तो हमने लिया है, हम सिंह हैं, सिंह है तो कौन नेतृत्व करेगा? नेतृत्व तो सिंह करेगा ना, क्योंकि राजा तो सिंह है और सिंह अगर राजा है तो नेतृत्व वो करेगा, और नेतृत्व वो करेगा तो उसको एक सेना की आवश्यकता है, उसको एक विधि की आवश्यकता है, उसको एक सिस्टम की आवश्यकता है, उसको एक विधान की आवश्यकता है। उन विधानों के लिए हमने उन्होंने तैयार किया हम सबको, और जिसने जिसने केश धारण किए उसने ये प्रण लिया कि ये भूमि मेरी अपनी भूमि है, मेरे गुरु का आदेश है, इस भूमि को बचाना है, इस भूमि को मुगलों से बचाना है, इस भूमि को तुगलों से बचाना है, इस मुल्क को तुर्कों से बचाना है। जब अभी भाई साहब ने बताया दो साहब ज्यादा छोटे रह गए और कहा कि कन्वर्ट हो जाओ, तो पिता के रास्ते को कैसे छोड़ दे, और कन्वर्ट अगर हो गए, गुरु के बेटे कन्वर्ट हो गए तो देश बचा नहीं पाओगे। इसलिए छोटे साहिबजादों को भी यह बात का एहसास था, छोटे बच्चों को एहसास था गुरु महाराज के, कि नहीं देश बचाना है, संस्कृति बचाना है, देश बचाने के लिए संस्कृति का होना आवश्यक है, और अगर हम भी कन्वर्ट हो गए तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता, मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे परिवार, मेरे गुरुओं की शहादत खाली चली जाए। कालांतर में तमाम प्रकार के षड्यंत्र होते रहते हैं, आज भी षड्यंत्र हो रहे हैं। आज के षड्यंत्रों में जब क्रिश्चियन आए तो उन्होंने क्या देखा, क्रिश्चियनों ने देखा कि भाई 800-700 वर्ष हो गए तलवार की दम पर कन्वर्जन चल रहा है, गुरुओं की शहादत हो गई, सेनाएं तैयार हैं, सिखों के रूप में सेनाएं हैं, वो लड़ रहे हैं, मरने को तैयार घूम रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है हम कहां जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे शहादत करने को तैयार हैं, इसका मतलब यह हो गया कि तलवार से इनसे नहीं जीता जा सकता, तलवार से इनको कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तलवार से कन्वर्ट करने वाले जो कन्वर्ट करवा रहे थे उस पर गुरु महाराज कहते हैं जो डर गए वो बदल गए, और जो हिंदू हैं वही तो हम हैं, जो नहीं बदले वो हिंदू, वो कन्वर्ट हो गए, हम हैं। अब गुरु महाराज जब ये बात कहते हैं कि हम हैं, और उनके फॉलोवर्स, उनको मानने वाले, केश धारण करने वाले, पगड़ी धारण करने वाले, कपाड़ धारण करने वाले ये प्रतिज्ञा लेते हैं इस भूमि को हम बचाएंगे, तो ऐसी भूमि को बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुगल खत्म हो गए, औरंगजेब ने जितने अत्याचार किए गुरु महाराज के जीते जी औरंगजेब चला गया। आप सोचिए, गुरु महाराज बाद में गए, औरंगजेब पहले गया, और उनके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के इस पूरे आंदोलन के बाद धीरे धीरे मुगल भी खत्म हो गए। मुगल खत्म हो गए आप उसको 1707 में मानिए, उसको वो न्यू मानिए जो गुरु महाराज दे गए, जो देश का मन बनाकर तैयार कर गए, जो सेना बनाकर तैयार कर गए, जो मतलब आजादी के मतवाले बनाकर तैयार कर गए गुरु गोविंद सिंह जी कर गए, या वो राणा कर गए, या फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज कर गए। मराठों का शासन धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा, और मुगल चूंकि उनकी नींव कच्ची हो गई थी, क्योंकि वो हतोत्साहित थे, इसलिए अगली पीढ़ियां सरवाइव नहीं कर पाई, और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज आ गया तो उसने पुराने वाले से पढ़ना शुरू किया कि आखिर क्या था, तो उसने देखा कि इनसे सीधा लड़ोगे तो ये तो तलवार लेकर तैयार खड़े, मरने को तैयार, अब इससे ज्यादा क्या करेगा, जो सर्वज्ञानी दानी अपने पूरे परिवार की शहादत दे दे लेकिन एक कदम पीछे बढ़ने को तैयार नहीं, छोटे छोटे बच्चे पीछे बढ़ने को तैयार नहीं है, तो फिर अब इसका कोई हल नहीं है, तलवार तो हल नहीं, और तलवार से रहने वाले सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मार दोगे तो शासन किस पर करोगे, शासन तो व्यक्तियों पर ही करोगे, और व्यक्ति तो मरने को तैयार घूम रहा, और गुरु महाराज तो सेना बनाकर भी छोड़ गए, वो चले गए तो अब गुरु ग्रंथ साहिब के मार्गदर्शन में काम होगा और अब पंथ काम करेगा, हिंदी भी स्वराज के लिए पेशवा काम करेंगे, तो आप सोचो कि अंग्रेजों को क्या समझ में आया होगा, ईसाइयों को क्या समझ में आया होगा कि कैसे करें, तो उसने कहा
कि भारत की संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा, भारत के अंदर अपने विचार के लोग तैयार करने पड़ेंगे। सबसे पहले भारत में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम अलग अलग पंथ के लोग हो, तुम एक हो ही नहीं, एक भारत माता की संतान नहीं हो। जब तक ये कहते रहोगे कि हम एक भारत माता की संतान हैं, तब तक तुम्हारा एक स्वाभाविक लगाव बना रहेगा, भाई भाई को बचाने के लिए मरता रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान को, हिंदुओं को नुकसान नहीं होने देगा। तो षड्यंत्र रचने शुरू किए, उन षड्यंत्रों में लिखना शुरू किया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ईसाई समझ में आता है, मुसलमान समझ में आता है, हिंदू मुस्लिम में सिख लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? जब गुरु महाराज पूरे देश को बचाने के लिए देश के परिवारों से लोगों को लेकर सेना बनाई, तो फिर आपने ये क्यों लिखा सिख ईसाई? क्योंकि उनको मालूम है कि नेतृत्व करने वाले, जंग लड़ने वाले जो जंगजू वो तैयार कर गए हैं, इनको जब तक समाज से डिटैच नहीं करेंगे, जब तक ये सिद्ध नहीं करेंगे कि तुम ये नहीं हो, तब तक भारत पर लंबे समय हम शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या, इसलिए एक आर्यन थ्योरी आई उस समय। आर्यन थ्योरी आई गोरा और काला के आधार पर भेद, द्रविड़ और आर्यन के आधार पर भेद, सिख और हिंदुओं के आधार पर भेद, दलितों और सवर्णों के आधार पर भेद, जितने प्रकार के भेद, भाषाई भेद, लिवास के भेद, परिवार के भेद, गुरुओं की परंपरा के भेद, जितने प्रकार के भेद हो सकते थे, उन भेदों के आधार पर लिटरेचर बनाना शुरू कर दिया और उस लिटरेचर को, उस समाज को पढ़ाना शुरू कर दिया, जिस समाज को बता, अरे भाई तुम तो बड़े भारी वाले, बड़े भारी पिता की संतान हो, तुम्हारे तो पूर्वजों ने ऐसा ऐसा किया, तुम इनमें क्यों मिलते हो? और सबको यही समझा। अब सोचो कि अगर हम चार भाई हैं और हम चारों भाइयों को यह कहा जाए, अरे तुम तो अकेले ही सब कुछ हो भाई, तुमने तीन की क्यों आवश्यकता है, और हम चारों के दिमाग में यही आ जाए कि हमको बाकी तीन की आवश्यकता क्या है, हम तो चारों ही अपने आप में अद्वितीय हैं, तो फिर सामने वाले को यह परिवार तोड़ना कितना आसान हो जाएगा। यह नहीं बताया कि तुमको अलग अलग रहना, उसने यह कहा कि तुम सबसे अद्वितीय हो, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे अद्वितीय हो, तुम्हारे बस में है, तुम्हारी वजह से यह परिवार चल रहा है, और तुम्हारी वजह से परिवार चल रहा है तो तुम क्यों इनके वश हो, ये तुम्हारी बात मानेंगे। और चारों को यही समझाया, तो चारों इस बात में लग गए कि नहीं भैया, हमारे नेतृत्व में चलना चाहिए। अब चारों अपने अपने नेतृत्व में चलेंगे, तो अंग्रेज के पास एक आई सब्सिडरी थ्योरी। मैं डॉक्यूमेंटेड, आज मैं जो भी कह रहा हूं डॉक्यूमेंटेड बात कह रहा हूं, सब्सिडरी थ्योरी आई। सब्सिडरी थ्योरी का मतलब था कि आप में से जो मेरे साथ आएगा, हम सेनाएं तुमको देंगे, फौज तुम्हारी तैयार करके देंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम लड़ो बाकी से। अब तुम बाकी से लड़ोगे तो कहां जाओगे? बाकी से लड़ने के लिए अंग्रेज ने सेनाएं दी सब्सिडी पर। आप सोचिए, देखिए कितना, सब्सिडी पर मतलब पैसे आप दो, हम आपको सस्ती सेनाएं देंगे, हम आपको सस्ते हथियार देंगे, तुम लड़ो ना अपने भाई से। अब सस्ते हथियार मिल गए हमको, तो हमको लगा कि भाई मेरे दम पर परिवार चलता है, मेरे पास हथियार भी है और अंग्रेज जैसी शक्ति मेरे पास है, तो इन बाकी से मैं लड़ लूंगा। लेकिन अगर मैं अपने भाइयों से जीत भी गया, तो मालूम है बाद में क्या होने वाला? बाद में होने वाला यह है कि मैं राजा बनाकर बिठा दू जाऊंगा और सेनाएं अंग्रेज की होंगी, और फिर आदेश किसका चलेगा? फरमान मेरा होगा, नाम मेरा होगा, सल्तनत मेरी होगी, लेकिन जो कुछ भी होगा वो अंग्रेज करेगा, क्योंकि उसकी ही फौजें लगी, मैं क्या हूं? मेरे पास फौज नहीं, मेरे पास व्यक्ति नहीं, मेरे पास शासन नहीं, मेरे पास प्रशासन नहीं, मैं तो अकेला हूं। मैंने तो सब्सिडरी फौजें उनकी ली थी, उनकी सब्सिडरी फौजों से मैं लड़ा था। जिस दिन उनको आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन वो कहेंगे पैरामाउंसी पावर। उन्होंने 1926 में फॉर्मूला दिया पैरामाउंसी पावर्स, और पैरामाउंसी पावर का मतलब यह होता था
कि तुम बैठे हो, राजा हो, ठीक है, लेकिन तुम मेरी पैरामाउंसी में हो, यानी कि ब्रिटिश हित सर्वोपरि है, तुम वो कोई काम नहीं कर सकते जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश राजा के ऊपर प्रभाव पड़े, उनके कृत्य के ऊपर प्रभाव पड़े या उनकी सत्ता पर प्रभाव पड़े। अब क्या हो गया, अब राजा बैठा रह गया, वेतन भोगी, पेंशन भोगी हो गया राजा, वेतन और पेंशन लेकर राजा बैठ गया। अब राजा के पास सिर्फ फरमान पर दस्तखत करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचा। अभी भी उनका पेट नहीं भरा तो आपके विद्यालयों को तोड़ना शुरू किया, आपकी यूनिवर्सिटीज को तोड़ना शुरू किया, आपके गुरुकुलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को जेल के प्रावधान ऐसा शुरू किया, आपके यहां चल रही आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी जो घर घर में बिना पैसे के इलाज करती है, किचन में पूरा विज्ञान है, उसके आधार पर जो वैद्य बैठेगा उसको इलीगल घोषित कर दिया, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। ऐसी परिस्थिति में फिर भी चैन नहीं पड़ा तो उन्होंने कहा मिशनरियों का काम बाकी है। अभी भी अंदर देखिए, समाज पर शासन हम कर रहे हैं, सत्ता मेरी है, लेकिन अभी भी तुलसीदास जी रामायण को रामचरितमानस बनाकर कह रहे हैं, अभी भी गुरु ग्रंथ साहिब में राम बार बार आ रहे हैं। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में राम बार बार आ रहे हैं, तुलसीदास जी अब अवधि में जो भाषा आम भाषा समझ सकता, संस्कृत लोग भुला गए क्योंकि चली गई, जो आम भाषा समझ सकता है उस आम भाषा में वो रामायण को रामचरितमानस बनाकर लिख रहे हैं। व्यक्तियों का मानस अभी भी बरकरार है देश में, अभी भी संस्कार बरकरार है, सरकार किसी की हो तो क्या करना, अब इनको यह सिद्ध करवाओ कि तुम हिंदू नहीं। कैसे करना, पहले ये देवी देवता, इतने देवताओं की पूजा करने वाले लोग क्या करेंगे तुम्हारे देवता। चलिए भाई, कहना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा इलाज करवाना है तो हमारे चर्च में आओ, चर्च में इलाज करवाना शुरू कर। अमेरिका का एक प्रकरण है और अमेरिका का प्रकरण यह है कि जब अंग्रेज वहां से जा रहा था, अमेरिकन्स जो ओरिजिनल अमेरिकन्स है उनको नेटिव इंडियन कहते हैं, नेटिव इंडियंस लड़े और लड़ने के बाद अंग्रेज वहां से जा रहा है तो अंग्रेजों ने कहा सर्दी बहुत है, मेरे कंबल ओढ़ लो, मैं कंबल अंबल सब तुमको देकर जाता हूं, ओढ़ लो। उस कंबल में कुछ वैक्सीन लगा दी तो खुजली हो गई, अब तो बीमार लोग हो गए, तो कहा तुम्हारा इलाज हम करेंगे भैया, इलाज करके चले जाएंगे। अब उनको वही मर्ज दिया, मर्ज की दबा दी तो लोगों का आदमी बहुत बढ़िया भाई, हम तो खाली पीली इनसे लड़ रहे थे, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो मदद करने वाले लोग हैं। और परिणाम ये निकला कि वो बैठ गए सर पर, शासन शुरू कर दिया। 1800-1792 में अंग्रेज पार्लियामेंट में ये बात उठी, उन्होंने कहा कि हमने यूएसए खो दिया है। क्यों खो दिया, क्योंकि वहां के ओरिजिनल संस्कृति संस्कार को नष्ट नहीं किया, वहां की संस्कृति को समाप्त नहीं किया, वहां के जो भी फिलोसोफर्स रहे, जो दार्शनिक आप कहते हैं, जिनको हम कभी गुरु कहते हैं कभी दार्शनिक कहते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते, उनको समाप्त नहीं किया और उनमें यह भेद पैदा नहीं किया कि तुम एक नहीं हो, इसलिए हमको अमेरिका गवाना पड़ा, ऐसा हम भारत में नहीं होने देंगे। पॉलिसी बनी, पहला एजुकेशन कमीशन आया भारत मेघालय, उसने कहा सिस्टम भंग करेंगे और पढ़ाना क्या शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया कि भैया तुम फला हो और तुम तो बड़े अद्वितीय योद्धा रहे हैं, पिछले हजारों वर्ष से तुम्हारे परिवार के लोग, तुम अलग हो, तुम इनके चक्कर में क्यों पड़ते। और धीरे धीरे करके उनको कन्वर्जन के खेल में खेलना शुरू किया और जैसे जैसे लोग उनके अधीन होते गए उनका शासन पक्का होता चला। अंग्रेज जब यहां से गया है तो जाते समय आप विश्वास करिए व्हाइट पेपर क्या कहता है, व्हाइट पेपर में 1941 की जनगणना है, 1941 की जनगणना व्हाइट पेपर में कहती है कि भारतवर्ष में 46% क्रिश्चियन है, 46% क्रिश्चियन, 13% मुसलमान और बाकी कौन, बाकी हिंदू नहीं, सिख जैन बुद्ध ये वो ब्राह्मण क्षत्रिय और दलित और फला फला, मतलब बाकी सब कोई 5% कोई 10% कोई 4% कोई 15% और जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो है क्रिश्चियन, 46% उनके अंदर
कैसी रही होगी? वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस रहे होंगे। क्रिप्टो क्रिश्चियन कैसे? जिनको उन्होंने बरगलाकर यह सिद्ध करवा लिया कि यह तुम्हारी संस्कृति नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हमारी संस्कृति को फॉलो करो तो तुम कुछ देश में अच्छा कर लोगे, तुम्हारा भला हो जाएगा। बाकियों ने तो हजारों वर्ष तुम्हारे ऊपर जातियां की और इन जातियों के खिलाफ तुम मेरे साथ आओ तो हम तुम्हारा साथ देंगे और इनको नित्यनाबूद कर दो। वो षड्यंत्र खत्म नहीं हुए, आजादी के बाद में वो षड्यंत्र चले रहे। कभी वो खालिस्तान के रूप में आते हैं तो कभी वो नवबुद्ध के रूप में आते हैं। आप सोच सकते हैं कि नवबुद्ध एक फिलॉसफी चली कुछ सालों से भारत। नवबुद्ध का मतलब अब हिंदू नहीं, हमने कुशल बकुला को निकाला और कुशल बकुला जो भगवान बुद्ध के पहले फॉलोवर्स में थे उनमें आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि जब आप जाओगे तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा भाई मैं जन्म नहीं लेता, दोबारा हो गया तो बोले कैसे होगा? तो उन्होंने कुशल बकुला आते रहेंगे ना, कुशल बकुला उनके शिष्यों में से। दलाई लामा ने भी सिद्ध किया कि 18वें, 19वें, 17वें, 18वें, 19वें कुशल बकुला लद्दाख में पैदा हुए, 19वें कुशल बकुला का लिटरेचर अपने को मिला। कुशल बकुला बारंबार जम्मू कश्मीर के असेंबली के मेंबर रहे और फिर वो कई देशों के राजदूत रहे। उन्होंने बारंबार कहा कि हम हिंदू हैं, हमारी उत्पत्ति हिंदू है, भगवान बुद्ध भी हिंदू थे, हमारे रास्ते अलग अलग, फिलोसफियां हो सकती हैं, दार्शनिक थे, दर्शन अलग हो गया, लेकिन उद्देश्य एक था, समाज को कैसे इकट्ठा किया जाए, समाज के अंदर आ रही कुरीतियों को कैसे समाप्त किया जाए और देश को कैसे बचाया जाए, एक उद्देश्य। कुशल बकुला हमने निकाले, उन पर लिटरेचर बांटना शुरू किया, बौद्ध यूनिवर्सिटियों में देना शुरू किया, बौद्ध मठों में देना शुरू किया और यह कहा कि आप ये तो मानते ही हो कि ये कुशल बकुला भगवान बुद्ध कह गए थे कुशल बकुला बारंबार जन्म लेंगे और ये दलाई लामा कुशल बकुला को रिकॉग्नाइज करते हैं आज के। वो नव बुद्ध का फॉर्मूला धीरे धीरे कमजोर पड़ा लेकिन अभी भी लोग कहते हैं हम नव बुद्ध हैं, हम हिंदू नहीं है। सेम चीज सिखों में फैलानी शुरू की, नहीं हम हिंदू नहीं है, यही कहना हम हिंदू नहीं है। अब ये जैसे जैसे भावना बढ़ेगी, जैसे जैसे विकसित होगी, जैसे जैसे इसको बल मिलेगा, जैसे जैसे अलग होंगे, वैसे वैसे गुरु महाराज का ये फौज जो देश बचाने के लिए तैयार की गई, ये फौज अपने आप को डिटैच करेगी और जैसे ही वो डिटैच करेगी तो उनका काम होगा। वो यही तो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारत का जो व्यवहार है, भारत का जो एकीकरण है, भारत की जो वैल्यूज हैं, वो कैसे टूटे। कन्वर्ट होने वाले लोग आज ओवैसी जैसे लोग इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। कब तक बैठेंगे मोदी, कब तक बैठेंगे योगी, कभी तो हटोगे, कब तक बैठेंगे, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अब समाज को वो डिटैच कर लेंगे, लेकिन वो भूल गए कि गुरु महाराज ये 5 का इसलिए नहीं दे गए कि तुम कहोगे कि हट जाएंगे, ये फौज बनाकर देश में छोड़ गए, एक पंथ बनाकर छोड़ गए, जिसने दायित्व लिया कि हम समाज को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, भारत को बचाएंगे, ये मेरी भूमि है। तो अब उस समाज को अलग करना तो क्या करना, कुछ विदेश में बैठे लोगों को फंडिंग करिए और वो भारत में आकर कहें हम तो ये नहीं है, हमें तो अलग चाहिए। अभी शैलेंद्र जी ने बताया कि भारत के बाहर से षड्यंत्र चल रहे हैं, भाई हमारा ये क्षेत्र हमारा है, पंजाब हमारा, भाई अलग से ये खालिस्तान बनेगा। अगर पंजाब तुम्हारा खालिस्तान बनेगा तो फिर ये बता दीजिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नांदेड़ में क्या, पटना में क्या, दिल्ली में क्या, ये सब प्रयास उन्होंने किए। इन प्रयासों को आज फिर से देश के सामने लाने की आवश्यकता है और जब आपने कहा कि हम हिंदू हैं, इकट्ठे हैं, तो उन्होंने उस पर ही प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा हिंदू कौन होता है, हिंदू कोई रिलीजन नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई संस्कार नहीं। ऐसी परिस्थिति में चिट्टू भाई को ध्यान आया
कि चलो भाई एक एक व्यथा और कहनी शुरू कर दी तो सनातन तो सभी मानते होंगे ना। ऐसी कौन सी भारत की संस्कृति है जो यह कहती है कि मैं सनातन नहीं? कोई संस्कृति भारत की यह नहीं मानती कि हम सनातन नहीं है। तो सनातन उत्सव समिति बनाकर उन योद्धाओं को, उन भारत के एकीकरण करने वाले योद्धाओं को आज जिन्होंने शहादत दी, हमारे लिए दी, हमारे देश के लिए दी, हमारे समाज के लिए दी, उनको याद करने की आवश्यकता है और उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको उत्साहित करने की आवश्यकता है कि किसके लिए कर गए, वो मेरे लिए ही कर गए। और आज अगर समाज ऐसा बैठा है तो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उन्होंने शहादतें दी। आज अगर भारत में आप कहते हो कि कुछ तो हस्ती है जो मिटती नहीं, वो इसलिए है कि गुरु महाराज शहादत दे गए, छोटे छोटे उनके साहिबजादे शहादत दे गए। अगर छोटे छोटे बच्चों को इतना बुद्धि थी कि समाज को बचाने के लिए अगर मेरी शहादत जाए तो हमको देनी चाहिए, तो आज समाज में मुझे नहीं लगता कि समाज में ऐसा कोई प्रबुद्ध वर्ग होगा जो इस बात को नहीं समझता होगा। इसलिए आप सबने सर्वदानी दिवस, सर्वदानी गुरु महाराज को याद किया और उनके द्वारा किए गए बलिदानों को याद किया, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को याद किया, समाज को बचाने को याद किया, उसके लिए आपका साधुवाद। बहुत कम समय पर चिट्टू भाई कह रहे थे कि हमें बड़ा कम समय मिला, लेकिन यहां तो लगता है इन्होंने हॉल छोटा कर लिया। समाज सुनना चाहता है, आज का समाज का मनोभाव तैयार है कि नहीं हम संस्कृति बचाएंगे, ये मेरा दायित्व है, हम कन्वर्जन को रोकेंगे, मेरा दायित्व है। और जैसे ही आप कोई भी कहेंगे कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो आपके समाज के लोग ही क्रिश्चियन बनना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब हिंदू नहीं है तो क्या, फिर वही लोग जिनको आप कन्विंस कर रहे हैं या हम कन्विंस कर रहे हैं कि मैं बौद्ध हूं, वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। जिनको हम कह रहे हैं कि नहीं तुम जैन हो, मैं जैन हूं हिंदू नहीं हूं, वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे। और आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम जो 4-5-10-12% जो भी हैं, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। यही तो वो करना चाहते हैं। पंजाब की हालत आप देख रहे हैं, जब से खालिस्तान के मूवमेंट चलने शुरू हुए कन्वर्जन अपने चरमोत्कर्ष पर। क्यों? क्योंकि समाज को लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे तुम सनातन नहीं हो। अगर हम सनातन नहीं तो कौन है? जब हम कोई नहीं है, मेरी सनातन संस्कृति नहीं है, मेरी जड़ें हमें नहीं मालूम कि हम 1500 साल पहले की हमारी जड़ें क्या हैं, जब मुझे नहीं मालूम उस जड़ के हम हैं ही नहीं, तो हम क्रिश्चियन हो जाएं तो क्या समस्या हो रहे? इसलिए जैसे जैसे ये समाज तोड़ू, देश तोड़ू, समाज से अलग थलग दिखाने का प्रयास चलेगा, वैसे वैसे विदेशी अपने कार्यों में पूर्ण हो रहे हैं, उनकी जो षड्यंत्र हैं, उनके जो खड़यंत्र हैं वो हो रहे, वो सफल हो रहे। इसलिए समाज को आवश्यकता है कि हम एकजुट रहें। और जो बारंबार मैंने कहा कि सीथियन आए, पर्सियन आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, और हम ये 2000 साल में 6-7 आ गए, इसका मतलब 200-300 साल से ज्यादा हम रह नहीं पाए। अगर 200-300-400 साल से ज्यादा नहीं रह पाए तो फिर ऐसी परिस्थिति दोबारा न बने, इसके लिए हम सबको आज अभी इसी वक्त से विचार करना पड़ेगा कि हम कौन हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी जड़ें क्या है, हजारों साल पहले का मेरा इतिहास क्या है, हजारों साल पहले के मेरे पूर्वज कौन है, क्यों ऐसी परंपराएं बीच बीच में डाली गई। कोई परंपरा से 500 साल पहले, 600 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले कोई परंपरा शुरू की गई तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, जो हमारे पूर्वजों ने वो परंपराएं डाली और हमको अलग से संरक्षण करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए मेरा मन बनाया, हमारी फौजें तैयार की, हमारे लोग तैयार किए और एक संस्कृति हमको दे गए। हम विचार ऐसा करते हैं कि हम सब जिस पंथ से भी आते हो, जिस संप्रदाय से भी आते हो, लेकिन हम सब सनातन हैं और हमारी संस्कृति सनातन है। हमारी मां एक अकेली भारत माता है और हम सब उसकी संतानें होने के नाते सहोदर भाई बहन हैं, इसलिए हमारा आत्मीय लगाव होना स्वाभाविक है। और
इसलिए आपका उत्साह देखकर लगता है एक आध घंटे और ले लें, लेकिन हमें भी जाना है और आप सबको आनंद आ रहा है अपनी जड़ों को सुनकर, अपने पूर्वजों के कृत्यों को, अपने पूर्वजों के बलिदानों को सुनकर। इसलिए आप सबसे उम्मीद करते हैं कि जो गुरु महाराज ने कहा हमारा हर एक बंदा सरदार है, उसको अलग से फौज की जरूरत नहीं, हर बंदा सरदार है, एक एक व्यक्ति सरदार है, एक एक व्यक्ति सवा सवा लाख की सेना से लड़ेगा, वो हम सब सरदार हैं, तो हम अपना दायित्व निभाएंगे, गुरु महाराज की शहादत को खाली नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही मुझे लगता है समय ज्यादा ही ले लिया कुछ हमने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।